तेनाली राम और नील केतु की कहानी। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में नील केतु नाम का एक व्यक्ति आया। नील केतु काफी दुबला पतला व्यक्ति था। वो दरबार में पहुंचा और राजा कृष्णदेव राय को बताया कि वो नील देश से आया है और अभी वो विश्व देखने के लिए यात्रा पर निकला है। उसने राजा को यह भी बताया कि सभी जगह घूमने के बाद वो राजा के दरबार में पहुंचा है। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय काफी खुश हुए। फिर राजा ने उनका स्वागत विशेष मेहमान के रूप में किया। राजा द्वारा किए गए सम्मान और सत्कार को देखकर नील केतु काफी खुश हुआ। उसने राजा से बोला, महाराज मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ कई सारी परियां रहती हैं। मैं अपने जादू से उन्हें बुला भी सकता हूँ। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय काफी खुश हुए और बोले, अच्छा तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। यह सुनकर नीलकेतु ने राजा को रात में तालाब के पास आने को कहा और बोला कि वो परियों को मनोरंजन और नृत्य के लिए बुला सकता है। यह सुनकर राजा ने नीलकेतु की बात मान ली। फिर जैसे ही रात हुई, राजा अपने घोड़े पर बैठकर तालाब की ओर चल दिए। राजा जैसे ही तालाब के पास पहुँचे तो वहाँ पास ही में एक किले के सामने नील केतु राजा का इंतजार कर रहा था। राजा उसके पास पहुँचा तो नील केतु ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि महाराज मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और सारी परियां किले के अंदर ही मौजूद हैं। राजा जैसे ही नील केतु के साथ किले के अंदर जाने लगे, तभी राजा के सैनिकों ने नीलकेतु को बंधक बना लिया। यह देख राजा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम सबने इसे बंधक क्यों बना लिया है? उसी वक्त किले के अंदर से तेनालीराम बाहर आए और उन्होंने कहा, महाराज मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। तेनाली ने बताना शुरू किया। उसने कहा, महाराज यह नील केतु कोई यात्रा करने वाला नहीं है, बल्कि नील देश का रक्षा मंत्री है और उसने धोखे से आपको यहाँ बुलाया है। किले के अंदर कोई परिया नहीं है, यह सिर्फ आपको यहाँ मारने के लिए लेकर आया था। यह सुनकर राजा ने तेनालीराम को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया और पूछा, तुम्हें इस बात का पता कैसे चला तेनाली? फिर तेनाली ने कहा कि महाराज पहले दिन ही जब वो दरबार में आया था, उसी दिन मुझे इस पर शक हो गया था। उसके बाद मैंने इसके पीछे अपने साथियों को जासूसी के लिए लगा दिया था, जिससे मुझे पता चला कि यह आपको मारने की योजना बना रहा था। तेनालीराम की सूझबूझ के लिए राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें धन्यवाद दिया। कहानी से सीख, किसी भी नए व्यक्ति पर पूरी तरह आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए हमेशा अपरिचित व्यक्ति की परखने के बाद ही उसकी बात का विश्वास करना चाहिए।